नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंक प्रो यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। क्या हाल है आप सभी के? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस। जी हाँ, मेरी आवाज वगैरह आप सभी को क्लियर है क्या? आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस। जी हाँ, माफ करिएगा, कल का सेशन नहीं हो पाया था, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा आप सभी से। एक कैजुअलिटी हो गई थी घर में, फैमिली में, सो इसलिए। चलिए तो सेशन स्टार्ट करेंगे गाइस। आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 13 नवंबर का इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स, डेली करेंट अफेयर्स सेक्शन से ये है आपका। एंड अगर मैं बात करूँ सेशन ओवरऑल कैसे रहेगा, तो सबसे पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल कोट कराऊंगा, फिर उसके बाद में एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो लास्ट डे डिटेल करंट अफेयर्स पे बेस्ड होंगे। उसके बाद वन लाइनर डिस्कस करेंगे जो लास्ट डे एमसीक्यूज पे बेस्ड होंगे, एमसीक्यूज वाले ही होंगे। एंड उसके बाद हम डिटेल करंट अफेयर्स जो आज का इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ में। सेशन के एंड की तरफ मैं आपसे स्टैटिक के 10 क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो कि करंट अफेयर्स पे बेस्ड होंगे, और उसके बाद में एक क्विज कराऊंगा मैं, उसका कोड आप सभी को देने वाला हूं। तो वो क्विज आप सभी ने ज्वाइन करना है, करेक्ट 9 बजे वो क्विज स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। सेशन स्टार्ट करेंगे एंड आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो आपकी स्क्रीन पे है। योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। आपका फ्यूचर इस पे डिपेंड कर रहा है कि आप आज क्या कर रहे हैं, कल से कोई मतलब नहीं है। आज आप क्या कर रहे हैं ये मैटर करता है, आज आप क्या कर रहे हैं ये मायने रखता है, कल से कोई मतलब, कल क्या करेंगे डजंट मैटर। आज जो आप करेंगे, जो आज आप करेंगे वही आपका फ्यूचर जो है वो बनाएगा, वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। चलिए एंड अनअकैडमी एकुलेट ये आपका फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज है, ये सभी बैंक एग्जाम्स के लिए, बैंक एग्जाम्स के लिए। तो आप सभी इसको एनरोल कर सकते हैं, आप सभी इस को ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। फ्री स्कॉलर टेस्ट है बैंक एग्जाम्स के लिए, हर महीने की 18 तारीख को, 18th of the month, एवरी मंथ नवंबर का जो है वो आपका आईपीएस पीओ मेंस का टारगेट है। एंड अगर हम बात करें, यहाँ पे एनरोल कर लीजिए फ्री में, और आपके पास चांस है जीतने का विन एक्साइटिंग प्राइजेस। अब एक्साइटिंग प्राइजेस में क्या क्या है, तो 5000 जो है टॉप 5 रैंकर्स को अमेजोन बाउचर्स मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट को 5000, सेकेंड 4000, थर्ड 3000, सेकेंड फोर्थ को 2000, एंड फर्स्ट जो फिफ्थ आएगा, सॉरी फिफ्थ जो आएगा उसको 1000 का अमेजोन का वाउचर जो है वो मिलने वाला है। सो इस टेस्ट को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, 18 को आपका ये लाइव हो जाएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ये कोर्स मेरा ऑलरेडी लाइव हो चुका है, इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक नया कोर्स, एक नया बैच, एक नया कोर्स जो है वो मेरा 24 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी प्लस पे। तो आप सभी अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करके मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको RKYT10 रेफरल कोड डालना होगा, RKYT10, वो डिटेल कोर्स होगा, डिटेल करंट अफेयर्स पे कोर्स है सभी बैंक एग्जाम्स के लिए। RKYT10 रेफरल कोड लगाना होगा, जितना जल्दी हो सकता है आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज आपका अनअकैडमी प्राइस जो है वो हाइक होने वाला है। ठीक है, चलिए तो आगे हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे, और आज का सेशन का पहला सवाल की तरफ, पहले सवाल की तरफ चलेंगे। आज का पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे है, नेशनल एजुकेशन डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है, नेशनल एजुकेशन डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है। जी हाँ, नेशनल एजुकेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, पहला सवाल आपसे पूछा गया है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग कामिनी, रमन, तान्या, सुजाता, देवव्रती, कृतिका, सूरज, धीरेन्द्र, असीम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मेघा, गुड मॉर्निंग। चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस। पूछा गया है नेशनल एजुकेशन डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो करेक्ट आंसर इसका 11 नवंबर होगा, 11 नवंबर जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कामिनी क्लास में है क्या? गुड, ये 11 नवंबर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा, नेशनल एजुकेशन डे और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है, 11 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, 11 नवंबर को। ठीक है, एंड संचमन लिंबू,
passed away recently. He was a former chief minister of which state? सचानमन लिम्बो का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व सीएम थे? तो करेक्ट आंसर की बात करें क्या होगा इसका, डी करेक्ट आंसर होगा, सिक्किम। सिक्किम जो है वो करेक्ट आंसर होगा गाइस, क्या होगा, सिक्किम करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। सिक्किम के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे सचानमन लिम्बू जी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। गुड मॉर्निंग नीतू। नेक्स्ट है आपका खलीफा बिन सलमान अल खलीफा पास्ड अवे, इनका हाल ही में निधन हुआ है। खलीफा बिन सलमान अल खलीफा, इनका रिसेंटली निधन हुआ है। एंड ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे ये? तो करेक्ट आंसर बी होगा, बहरीन के थे। ठीक है, बहरीन के थे, बहरीन के प्राइम मिनिस्टर थे शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। एंड हु इज द ऑथर ऑफ आर्कियोलॉजी एंड पब्लिक पर्पज राइटिंग्स ऑन एंड बाई एम एन देश पांडे बुक, इस बुक के ऑथर आपसे पूछे गए हैं, इस बुक के ऑथर आपसे पूछे गए हैं। आर्कियोलॉजी एंड बुक का टाइटल आपको दिया गया है, ऑथर आपसे पूछे हैं, तो करेक्ट आंसर नयन ज्योत लाहिरी होगा। नयन ज्योत लाहिरी जो है ए करेक्ट आंसर होगा, नयन ज्योत लाहिरी, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्काई स्क्रैपर्स हैज वन द एम्पोरिस स्काई स्क्रैपर अवार्ड 2019, निम्नलिखित में से किस गगनचुंबी इमारत ने एम्पोरस स्काई क्रेपर पुरस्कार 2019 जीता है? तो करेक्ट आंसर की बात करें भी होगा, लाखता सेंटर ने, लाखता सेंटर जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ये फोटो में आप देख रहे हैं, लाखता सेंटर का इमेज है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें 462 मीटर हाई है ये जो है, मीटर हाइट है इसका। एंड लाखता सेंटर इन कहाँ पे है, पीटर्सबर्ग में है, पीटर्सबर्ग में, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, याद रखिएगा, फर्स्ट दिस मार्क्स द फर्स्ट टाइम दैट द प्रेस्टिजियस अवार्ड हैज गॉन अ प्रोजेक्ट इन रशिया, रशिया में है ये, और इसको ये अवार्ड जो है मिला है। 20 ईयर लॉन्ग हिस्टोरी है, हिस्टोरी ऑफ द अवार्ड जो है रशिया को दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। चलिए याद रखिएगा गाइस, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे न्यू नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज साइन एन एग्रीमेंट टू एंड मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट ओवर द डिस्प्यूटेड एनक्लेव ऑफ नागोर्नो कराबाख, नागोर्नो कराबाख के विवादित एनक्लेव पर सैन्य संघर्ष को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस काउंटर्स ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? पूनम जी गुड मॉर्निंग, करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा, ऑल ऑफ द एबव करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा, ऑल ऑफ द एबव जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट आपके क्वेश्चन की, तो कैंसर सेंड्स नो नोटिफिकेशंस कैंपेन लॉन्च बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी, हाँ जी बताइए इसका आंसर, जी हाँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी करेक्ट आंसर होगा आपका, भारतीय अक्षा जनरल इंश्योरेंस, भारतीय अक्षा जनरल इंश्योरेंस जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। गुड मॉर्निंग नीरज। चलिए नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल लॉन्च इट्स फर्स्ट एग्रीकल्चरल कमोडिटी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर क्रूड डिगम्ड सोयाबीन ऑयल ऑन दिसंबर 1st, बताइए निम्नलिखित में से कौन 1 दिसंबर को कच्चे तेल में सोयाबीन तेल के लिए अपना पहला कृषि जींस वायदा अनुबंध शुरू करेगा? तो करेक्ट आंसर आपका सी होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। कल मैं आपको पीडीएफ, कल क्लास नहीं हुआ था तो उसका पीडीएफ मैं आप सभी के साथ में ऑलरेडी शेयर कर चुका था, उसका पीडीएफ मैं आप सभी के साथ में ऑलरेडी शेयर कर चुका था। नेक्स्ट आपका विच हैज लॉन्च्ड पे आउट लिंक्स फॉर बिजनेसेस एनेबलिंग देम टू इंस्टेंटली प्रोसेस पे आउट ऑफ कस्टमर्स पे आउट टू कस्टमर्स एम्प्लॉयज एंड वेंडर्स विदाउट कलेक्टिंग देयर बैंक डिटेल्स, किसने व्यवसायों के लिए पे आउट लिंक लॉन्च किए हैं जो ग्राहकों के कर्मचारियों और विक्रेताओं को तुरंत उनके बैंक विवरण एकत्र किए बिना भुगतान करने में सक्षम बनाता है? तो करेक्ट आंसर ए होगा इसका, पेटीएम, पेटीएम जो है वो करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, पेटीएम करेक्ट आंसर होगा। फ्लिपकार्ट ऑफर्ड कस्टमाइज्ड ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस कवर इश्यूड बाय विच इंश्योरेंस कंपनी, फ्लिपकार्ट ने किस बीमा कंपनी द्वारा जारी स्वनिर्धारित समूह स्वास्थ्य बीमा कवर की पेशकश की है? तो करेक्ट आंसर इसका डी होगा, बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस, बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस जो है
वो करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च कोविड शील्ड प्लस, निम्नलिखित में से किसने कोविड शील्ड प्लस लॉन्च किया है, तो करेक्ट आंसर डी होगा, एडेलवेस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस, डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज बीन नेम्ड एज द वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022, निम्नलिखित में से किस शहर को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 नाम दिया गया है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा, गोडालजारा को, गोडालजारा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, विच आईआईटी लीड ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर इनॉग्रेटेड वर्चुअली, किस आईआईटी के नेतृत्व वाले ऑस्ट्रेलिया भारत जल केंद्र का वस्तुतः उद्घाटन किया गया है, तो करेक्ट आंसर सी होगा, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी गुवाहाटी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी करेक्ट आंसर होगा। एंड विच स्टेट टू होस्ट इंटरनेशनल वर्ड फेस्टिवल इन फेब 2021, फरवरी 2020 2021 में, 2021 में अंतरराष्ट्रीय वर्ड फेस्टिवल की मेजबानी किस राज्य में की जाएगी, तो करेक्ट आंसर भी होगा यूपी में, कहां पे, यूपी में करेक्ट आंसर होगा आपका। एंड हु हैज बीन नेम्ड एज द चीफ ऑफ स्टाफ टू एक्टिंग यूएस डिफेंस सेक्रेटरी, तो करेक्ट आंसर की बात करें सी होगा, कास पटेल, कास पटेल सी करेक्ट आंसर होगा। एंड एक्स एसपीजी ऑफिसर पेंड नोबल रसथी ऑन विच कम्युनिटी, पूर्व एसीजी, पूर्व एसपीजी, पूर्व एसपीजी अधिकारी ने किस समुदाय पर उपन्यास रसती लिखा है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ट्रांसजेंडर्स पे, यहाँ पे रसती उपन्यास जो है वो लिखा गया है, एक नोबल लिखा गया है एक्स जो आपके एसपीजी ऑफिसर हैं उनके द्वारा ट्रांसजेंडर के ऊपर, ट्रांसजेंडर के ऊपर। एंड शशिधरन कलिंगकील, तो ये इनका नाम है जो आपके एक्स एसपीजी ऑफिसर है उनका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, हु हैज अनवील अ मॉडल ऑफ एंटी सैटेलाइट मिसाइल एट डीआरडीओ भवन, डीआरडीओ भवन में एंटी सैटेलाइट मिसाइल के मॉडल का अनावरण किसने किया है, तो करेक्ट आंसर भी होगा, राजनाथ सिंह ने किया है, किसने किया है, राजनाथ सिंह ने, याद रखिएगा। बात करेंगे डेली करेंट अफेयर्स के वन लाइनर्स की, तो इसको हम स्पीड में लेके चलेंगे, बिकॉज ये मैं ऑलरेडी आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ एमसीक्यूज के फॉर्म में। पहला सवाल है आपका, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इज ऑब्जर्व ऑन विच डे, कब ऑब्जर्व किया जाता है, कब ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट, किस डे को ऑब्जर्व किया जाता है, 10 नवंबर करेक्ट आंसर होगा। एंड साइब अरेकट पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज अ चीफ नेगोशिएटर ऑफ विच कंट्री, पलेस्तीनियन करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, पलेस्तीनियन करेक्ट आंसर होगा। एंड सुदर्शन रतन पास्ड अवे रिसेंटली, ही बिलोंग विच प्रोफेशन, तो करेक्ट आंसर की बात करें फिल्म मेकर होगा करेक्ट आंसर। एंड हु इज द ऑथर ऑफ थवासमी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंस ऑफ रामायणा बुक, तो रल्लाबंदी श्री रामा चक्रधर जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एंड विच टीम हैज बीटेड सुपरनोवास बाय 16 रन टू विन वुमेन्स T20 चैलेंज टाइटल, तो आंसर होगा आपका ट्रेल ब्लेजर, ट्रेल ब्लेजर्स जो है वो करेक्ट आंसर होगा। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कॉन्फर्ड द टाटा लिटरेचर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2020, तो रस्किन बॉन्ड होगा, रस्किन बॉन्ड करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, हु इज द प्रेजेंट फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, हर्षवर्धन श्रृंगला करेक्ट आंसर होगा। एंड हु अमंग द फॉलोइंग हैज एमर्ज एज द मोस्ट जेनरस इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 20 एंड टॉप अ लिस्ट ऑफ फिलेंथ्रोफी, तो अजीम प्रेमजी करेक्ट आंसर होगा, अजीम प्रेमजी। एंड विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद भारतीय अक्षर जनरल इंश्योरेंस टू ऑफर कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस टू द पेमेंट बैंक कस्टमर्स, एयरटेल पेमेंट बैंक होगा करेक्ट आंसर, क्या होगा, एयरटेल पेमेंट बैंक करेक्ट आंसर होगा। एंड किस कंट्री ने यहाँ पे वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री बना है, बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू हैव सक्सेसफुली सेंड द 6G कम्युनिकेशन टेस्ट सैटेलाइट इन टू द ऑर्बिट फ्रॉम द ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन द शांगची प्रोविंस, तो चाइना करेक्ट आंसर होगा, चाइना, एंड चाइना करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर बताइए, विच रिजर्व ऑफ अरुणाचल प्रदेश टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर अगेंस्ट COVID-19 फॉर इट्स ग्रीन सोल्जर्स, तो करेक्ट आंसर की बात करें क्या होगा इसका, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो पक्के टाइगर रिजर्व करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, पक्के टाइगर रिजर्व जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, तेजपुर लीची जो है आपका किस स्टेट का है जिसको GI टैग मिला है, तो आसाम होगा। KVIC ने डिस्ट्रीब्यूट किया 60,000 खादी मास्क स्कूल चिल्ड्रंस को, किस स्टेट में,
किस स्टेट में किए गए हैं? तो करेक्ट आंसर अरुणाचल प्रदेश होगा, अरुणाचल प्रदेश। पद्मावती, गुड मॉर्निंग। चलिए इसका आंसर बताइए, हु हैज इनॉग्रेटेड हुनर हाट एट दिल्ली हाट पीतमपुरा? मुख्तार अब्बास नकवी करेक्ट आंसर होगा, मुख्तार अब्बास नकवी। एंड हु हैज बीन अपॉइंटेड एज हेड ऑफ पेट्रोनेट एलएनजी? तो एके सिंह करेक्ट आंसर होगा। एंड हु हैज टेकन चार्ज एज न्यू सीईओ ऑफ एयर इंडिया एक्सप्रेस? करेक्ट आंसर की बात करें आलोक सिंह होगा। एंड थैंक्स ऐप लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? थैंक्स ऐप जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो करेक्ट आंसर एयरटेल होगा। एंड हु अटेंडेड फर्स्ट ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग? किसने अटेंड करी है, किसने अटेंड करी है? तो आंसर क्या होगा आपका, निर्मला सीतारमण जी ने अटेंड की है ये आपकी फर्स्ट ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई है उसको। ठीक है, बात करेंगे गाइस डिटेल करंट अफेयर्स की। तो डिटेल करंट अफेयर्स में पहला सेक्शन जो है आज का नेशनल एंड स्टेट न्यूज सेक्शन है। तो पहला न्यूज आपकी स्क्रीन पे है, पहला न्यूज आपकी स्क्रीन पे है कि महाराष्ट्र जो है वो ऑब्जर्व करेगा नेशनल यूनिटी वीक को फ्रॉम 19 नवंबर से 25 नवंबर तक। महाराष्ट्र के द्वारा ऑब्जर्व किया जाएगा एक वीक नेशनल यूनिटी वीक के नाम से। नेशनल यूनिटी वीक जो है वो महाराष्ट्र के द्वारा सेलिब्रेट किया जाएगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा स्टेट जो है नेशनल यूनिटी वीक ऑब्जर्व करेगा, तो करेक्ट आंसर महाराष्ट्र होगा। कब से कब तक करेगा? तो 19 नवंबर से 25 नवंबर तक ऑब्जर्व किया जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे जो आपके मिनिस्टर हैं स्किल डेवलपमेंट एंड माइनॉरिटी डेवलपमेंट नवाब मलिक जी, इन्होंने अपील की है लोगों से कि यहाँ पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो लोग इसमें पार्टिसिपेट करें ताकि यहाँ पे हम सोशल हार्मनी को, सामाजिक सद्भाव को बढ़ा पाए, सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा दे पाए। नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र का ही न्यूज है। महाराष्ट्र टूरिज्म मिनिस्टर जो है एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है उनके द्वारा अनवील किया गया है नया लोगो और फीडबैक क्यूआर कोड फॉर MTDC यानी कि महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र टूरिज्म मिनिस्टर आदित्य ठाकरे जी जो है, महाराष्ट्र टूरिज्म मिनिस्टर हैं आदित्य ठाकरे जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है आदित्य ठाकरे जी, और यहाँ पे इन्होंने अनवील किया है नया लोगो, नया फीडबैक क्यूआर कोड। ठीक है, एक नया लोगो आपका अनवील किया गया है और एक नया फीडबैक क्यूआर कोड जो है वो अनवील किया गया है महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का। ठीक है, किसका किया गया है? तो महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का किया गया है, याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ में यहाँ पे इन्होंने अनवील किया है लोगो बोट क्लब का नासिक के अंदर, बोट क्लब का नासिक के अंदर। और इस इवेंट के दौरान इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया, MOU भी साइन किया है एयरबीएनबी के साथ में। एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस कंपनी है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस कंपनी है, और बूस्ट करने के लिए टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे ये एग्रीमेंट जो है साइन किया गया है। ठीक है, याद हो गया होगा आपको, एक एक पॉइंट मैंने आप सभी के साथ में डिस्कस कर दिया। बाकी अगर महाराष्ट्र की बात करें, उद्धव ठाकरे जो है वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर और भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर है। नेक्स्ट है आपका चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने लॉन्च किया है सेखा समाधान ऑनलाइन सर्विसेज फॉर फार्मर्स। यहाँ पे फार्मर्स के लिए नवीन पटनायक जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा लॉन्च किया गया सेखा समाधान बाइलिंगुअल मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको लॉन्च किया गया है। किसने किया है? तो असम के चीफ मिनिस्टर जो हैं, सॉरी उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी, उनके द्वारा किया गया है टू एड्रेस द इरीगेशन प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो आपकी सिंचाई प्रॉब्लम है, इरीगेशन जो प्रॉब्लम है, उससे जो फार्मर्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, उसके लिए यहाँ पे आपका सिंचा समाधान जो है वो एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। एंड विदाउट देम हैविंग टू विजिट द ऑफिस कॉन्सर्न, बिना किसी ऑफिस विजिट के आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करी जाएगी। एंड ही ऑल्सो लॉन्च, इन्होंने और भी लॉन्च किया है 4 अदर ऑनलाइन सर्विसेज, 4 और भी ऑनलाइन सर्विसेज रिजॉल्व करने के लिए इशू ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपका वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है उसके इशू को रिजॉल्व करने के लिए कहाँ पे, इंडस्ट्रीज में, कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट जो भी हैं और भी जो अदर इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे वाटर सप्लाई के इशू को रिजॉल्व करने के लिए वहाँ पे 4 अदर सर्विसेज जो है वो इनके द्वारा लॉन्च करी गई हैं, याद रखिएगा। एंड फार्मर्स विल इन्फॉर्म अबाउट द स्टेटस ऑफ देयर कंप्लेंट्स थ्रू SMS।
और अगर किसी फार्मर के द्वारा, अगर किसी किसान के द्वारा यहाँ पे कंप्लेंट करी जाती है, तो कंप्लेंट का जो जो इन्फॉर्मेशन आएगी, जो इन्फॉर्म किया जाएगा किसान को, वो एसएमएस के थ्रू किया जाएगा, वो एसएमएस के थ्रू किया जाएगा। स्टैटिक की बात करें उड़ीसा, तो जो है आपका नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर है, और गणेशी लाल जो है वो यहाँ के गवर्नर है, गणेशी लाल गवर्नर है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज के, तो होम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है सरहद विस्तार विकास विकासोत्सव 2020 इन गुजरात। एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, जो आपके होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी के द्वारा, सरहद विस्तार विकासोत्सव 2020। कहाँ पे किया गया है? धोर्दो विलेज में, एंड बॉर्डर एरिया है ये आपका कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। कच्छ जो आपका बॉर्डर पड़ता है, वो आपका पाकिस्तान बॉर्डर पड़ता है वहाँ पे। तो यहाँ पे आपका होम मिनिस्टर जी के द्वारा, जो आपके अमित शाह जी हैं, उनके द्वारा एक इनॉग्रेट किया गया है स्कीम, एक इनिशिएटिव इनॉग्रेट किया गया है, और वो है आपका सरहद विस्तार विकासोत्सव 2020। और ये आपका धोर्दो विलेज में किया गया, धोर्दो विलेज में। यहाँ पे करीब करीब 1500 सरपंच एंड ग्राम पंचायत मेंबर हैं फ्रॉम 158 बॉर्डर विलेजेस से, कच्छ बंसकाता एंड पतन डिस्ट्रिक्ट में। इनको इनवाइट किया गया है पार्टिसिपेट करने के लिए, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इवेंट, पहले इस तरीके के इवेंट के लिए, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया है अंडर किसके अंडर में? बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। किस प्रोग्राम के अंडर में ऑर्गेनाइज किया गया है, पहला सवाल इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कितने विलेजेस जो है वो कनेक्ट करते हैं? तो यहाँ पे 158 विलेजेस है, और करीब करीब एक 1500 ग्राम पंचायत मेंबर जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए उनको इनवाइट किया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ पे अमित शाह जी ने ऑल्सो अनाउंस किया है, बीएसएफ डिस्पेंसरीज के लिए एंड हॉस्पिटल्स विल नाउ प्रोवाइड मेडिकल ट्रीटमेंट टू द पीपल फ्रॉम बॉर्डर विलेजेस। जो भी आपके गांव से रिलेटेड जो भी लोग हैं, पीपल जो है वहाँ के लोकल के, तो उनको यहाँ पे डिस्पेंसरी फैसिलिटी बीएसएफ के द्वारा दी जाएगी, एंड हॉस्पिटल जो है वो भी आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटी जो है वो लोगों को देगा। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज की, तो पीएम जो है वो इनॉग्रेट करेंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट करेंगे फ्यूचर रेडी आयुर्वेदा इंस्टीट्यूशन जामनगर और जयपुर में। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा आईटीआरए, कहाँ पे? जामनगर में। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एनआईए, ये आपका जयपुर में इनॉग्रेट किया जाएगा। दो आपके आयुर्वेदा इंस्टीट्यूशन जो हैं वो इनॉग्रेट किए जाएंगे। पहला आपका जामनगर में, जामनगर वाले का नाम क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा। एंड दूसरा है आपका जामनगर एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सॉरी दूसरा जो है वो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, जो कि आपका जयपुर वाला है। ठीक है, तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपके इनोग्रेट किए जाएंगे। ठीक है, ये किए गए हैं। आयुर्वेदा डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर फ्रॉम 2016, हर साल 2016 से, हर साल 2016 से धनवंतरी जयंती पे, धनवंतरी जयंती पे, धनतेरस पे। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें अगर न्यूज की, तो कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने हैंड ओवर किया है 751 मोटरसाइकिल एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्क्वाड जो है उसको, किसको किया है? तो जो आपका एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्क्वाड है उसको, यहाँ पे कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं बीएस येदुरप्पा जी, उन्होंने 751 मोटरसाइकिल्स जो हैं वो हैंडओवर करी हैं, वो हैंडओवर करी हैं किसको? एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्क्वाड बेंगलुरु में। बाइक जो है वो प्रोकर्ड करी गई है अंडर आपके, जो आपका निर्भया फंड आया था उससे यहाँ पे बाइक जो है वो खरीदी गई हैं, और यहाँ पे 7 करोड़ रुपीस जो है वो निर्भया फंड से आए हैं। बल्कि और यहाँ पे सेटअप किया गया है आपका वुमेन हेल्प डेस्क 700 पुलिस स्टेशन में स्टेट के अंदर, स्टेट के अंदर, ये याद रखिएगा। ठीक है, एंड फंड ने हेल्प करी है, यहाँ पे बाइक खरीदी गई है, और उसके अलावा भी यहाँ पे जो हेल्प की गई है, फंड जो और जगह यूज किया गया है वो आपका पुट अप सेफ्टी डिवाइसेस इन द सिटी ट्रांसपोर्ट बसेस, जो आपकी सिटी की ट्रांसपोर्ट बसेस है उनमें सेफ्टी डिवाइसेस के लिए यहाँ पे आपके हेल्प करने के लिए, उनको डिवाइसेस लगाने के लिए ये फंड का ही यूज किया गया है, निर्भया फंड का।
ठीक है। तो निर्भया फंड आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और निर्भया फंड से जो आपके लिए ये जितनी भी जो काम किए गए हैं कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर BS येदुरप्पा जी के द्वारा, तो वो भी इम्पोर्टेंट बनेंगे। ठीक है, एक बड़ा नंबर हो जाता है 751 मोटरसाइकिल का, और वो किस फंड से खरीदी गई है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निर्भया फंड जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन की, तो इंटरनेशनल न्यूज सेक्शन में पहला न्यूज आपका, PM मोदी जो है वो आपके वर्चुअली को चेयर करेंगे 17th एशियन जो आसियान इंडिया समिट है एशियन इंडिया समिट है विद इज विटनेसेस काउंटर पार्ट। तो जो आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो 17th आसियान की जो आपके इंडिया समिट होनी है 17th, तो वो PM ऑफ वियतनाम के साथ में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको को चेयर किया जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और बाकी डिस्कशन क्या हुआ, तो यहाँ पे आपके अप्रोच बिटवीन इंडिया एंड 10 अदर आसियान इन इंश्योरिंग फ्री ओपन इंक्लूसिव रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक अ रीजन दैट हैज विटनेस रिन्यूड ग्लोबल फोकस ऑन व्यू ऑफ चाइनाज एक्सपेंशनिस्ट बिहेवियर। ठीक है, तो ये जो है ये ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बनता। एग्जाम में जो आपसे पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि किसने को चेयर किया है या इंडिया की तरफ से कौन थे, दैट्स बस इतना ही आपके लिए सफिशियंट रहेगा। अगर हम आशियान की बात करें, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के, तो जकार्ता में जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पे है, जकार्ता में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज सेक्शन में बात करें बैंकिंग न्यूज की, तो मोबी क्विक ने लॉन्च किया है मोबी क्विक ब्लू अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड। इंडिया का लार्जेस्ट डिजिटल क्रेडिट प्लेटफॉर्म है मोबी क्विक, और इसके द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है मोबी क्विक ब्लू अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड। एक तरीके का ये प्रीपेड कार्ड है, और इसमें 1 लाख का इंस्टेंट क्रेडिट जो है वो प्रीपेड कार्ड होल्डर्स को दिया जाएगा, वो मिल जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, बस इतना ही यहाँ से इंपॉर्टेंट बनेगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, मोबीक्विक ने क्लेम किया है टू बी द फर्स्ट नॉन बैंकिंग इंडियन कंपनी टू बिकम अ मेंबर ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस नेटवर्क, और मोबीक्विक ने ये भी क्लेम किया है कि पहली ये नॉन बैंकिंग इंडियन कंपनी है जो आपकी मेंबर बनी है अमेरिकन एक्सप्रेस नेटवर्क की एंड इशू कार्ड्स इन इंडिया, और इंडिया के अंदर कार्ड इशू करने। ठीक है, मोबी क्विक की बेटा बात करें तो अप्रैल 2009 में इसको फाउंड किया गया है, और विपिन प्रीत सिंह इसके CEO है। ठीक है, सभी को क्लियर होता जा रहा है ना, सभी को क्लियर होता जा रहा है। आई थिंक मैं बिल्कुल इसको इजी करके आपको एक्सप्लेन करता चला जा रहा हूं, उम्मीद है कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। आगे यहाँ पे आपसे बात करी गई है, CCEA ने अप्रूव किया है 8,100 करोड़ फाइनेंशियल असिस्टेंस किसके लिए किया गया है, तो इंफ्रा विबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम के लिए किया गया है। ठीक है, तो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इसने अप्रूव किया है यहाँ पे इस रिवैम्पिंग कंटिन्यूएशन जो आपकी स्कीम है उसको दोबारा से चालू करने के लिए, उसको कंटिन्यूशन में बनाए रखने के लिए, रिवैम्पिंग करने के लिए, तो यहाँ पे स्कीम को फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया गया। अब कौन सी स्कीम है, तो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर बियाबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम जो है उसके लिए यहाँ पे 8,100 करोड़ रुपीज जो है वो फंड एलोकेट किया गया है। ठीक है, एम क्या है स्कीम का, स्कीम का एम है प्रमोट करना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, लीडिंग टू एफिशिएंट क्रिएशन ऑफ एसेट्स एंड इंश्योरिंग देयर प्रॉपर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एंड मेक द इकोनॉमिकली एंड सोशली इसेंशियल प्रोजेक्ट्स कमर्शियली वायबल। आप सभी क्या, मुझे लग रहा है कि मोबाइल रख के सो गए हैं। मैंने ये पूछा था कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, बताइए भाई, मेरी आवाज आ रही है क्या सुन पा रहे हो ना मुझे? हाँ, सुन तो पा रहे हो ना? अब यस 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 करके आप लिख रहे हो।
बस केवल तीन चार हैं, बाकी के सब सो गए हैं क्या? चलिए सोने दो, फिर हम बात करते हैं। मुझे लगता है ये जोगिंदर जी, गुड मॉर्निंग। चलिए कंटिन्यू करते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर जी हैं जो आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। इन्होंने वर्चुअली मीटिंग होल्ड किया है किसके, ब्राजीलियन काउंटर पार्ट अर्नेस्टो अरोजो के साथ में। ठीक है, याद रखिएगा, हंसी आती है आप लोग पे सच्ची। चलिए तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है डॉक्टर एस जयशंकर जी, इन्होंने वर्चुअली मीटिंग जो है ब्राजीलियन काउंटर पार्ट अर्नेस्टो अरोजो के साथ में यहाँ पे हेल्ड की है, यहाँ पे अटेंड की है और यहाँ पे डिस्कस किया है अपॉर्चुनिटीज टू स्ट्रेंथन द इंडिया ब्राजील स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो इंडिया ब्राजील के जो पार्टनरशिप है, रचना जी गुड मॉर्निंग, जो 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 पार्टनर, अच्छा दिवाली की सफाई, दिवाली के दिन भी, वाह भाई वाह, तब तक अभी तक क्या कर रहे थे? मिठाइयाँ बनती हैं आज के दिन तो भाई। ये आज भी सफाई में लगी हुई है, मुझे लगता है मिठाई विठाई इसको नहीं मिलने वाली। चलिए सो ये याद रखिएगा कि यहाँ पे जो आपकी डिस्कस किया गया है, तो ये अपॉर्चुनिटीज टू स्ट्रेंथन, जो उसको स्ट्रेंथ देने के लिए इंडिया ब्राजील जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है उसको और ज्यादा मजबूत करने के लिए यहाँ पे आपका डिस्कशन किया गया है। ठीक है चलिए, तो ये याद रखिएगा। ब्राजील की बात करें तो ब्राजीलिया जो है वो कैपिटल है, जेयर बोल्सनारो प्रेसिडेंट है, करेंसी ब्राजीलियन रियाल है। देखो आज भी क्लास है, आई थिंक कल भी क्लास होगा, उसके अगले दिन भी क्लास होगा, उसके अगले दिन भी क्लास होगा, मीन्स दिवाली को भी क्लास होगा, कोई गैप नहीं है। ठीक है कब, फिर मैंने भी आपको वर्चुअली जो है ना वो पार्टियां देनी है ना, वर्चुअली जो है ना दिवाली स्ट्रीट देना है आप सभी को, मैं भी दूंगा। अभी बाकी जो नए स्टूडेंट है उनको नहीं पता मैं वर्चुअली कैसे देता हूँ। तमिलनाडु बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर वाटर मैनेजमेंट, तमिलनाडु हैज बैक द, तमिलनाडु जो है वो फर्स्ट प्लेस पे आया है आपका ये अवार्ड्स में, ऑन एंड अवार्ड्स एंड ऑनर्स में। अच्छा, मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊ करके, मतलब वो वाला कॉन्सेप्ट आपका हो गया कि मेरा ही, मेरी चीज है, वर्चुअली मैं ही आप सभी को पार्टी देता हूँ, आप सभी कल मुझे वर्चुअली मिठाई खिलाएंगे, भाई वाह क्या बात है। तमिलनाडु ने यहाँ पे बेस्ट स्टेट अवार्ड जो है वो वाटर मैनेजमेंट के लिए, कल क्लास कल होगा, कल 2 PM वाला क्लास है, मॉर्निंग वाला भी क्लास करेंगे, देखते हैं। तमिलनाडु बेग द फर्स्ट प्लेस इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी इन द नेशनल वाटर अवार्ड्स 2019 प्रेजेंटेड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि तमिलनाडु फर्स्ट प्लेस पे आया है बेस्ट स्टेट में। कैटेगरी कौन सी थी, तो आपकी नेशनल वाटर अवार्ड इसको 2019 जो है इसको दिया गया है, याद रखिएगा किसके द्वारा दिया गया है, तो ये आपके यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा दिया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड रिवर डेवलपमेंट गंगा रिजर्वेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें द कंस्ट्रक्शन ऑफ 100 चेक डैम्स एंड एनी कट्स स्टेबलाइजेशन द कमांड एरिया टू एक्सटेंड 2.85 लाख हेक्टेयर थ्रू कुदी मरथू एंड कवरेज ऑफ ओवर 2 लाख हेक्टेयर थ्रू माइक्रो एरीगेशन आर एमंग द फैक्टर ऑफ द रिकॉग्निशन। यहाँ पे ये दो फैक्टर आपके बने हैं जिसकी वजह से इसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है। आपका यहाँ पे जो कवरेज किया गया है 2.8 लाख हेक्टेयर थ्रू कुडीमराथू है ना, ये इसके लिए, और यहाँ पे 100 चेक डैम बनाए गए हैं आपके, कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, एंड ओवर 2 लाख हेक्टेयर जो है वो थ्रू थ्रू माइक्रो इरिगेशन के लिए, इन सभी की वजह से इसको क्या किया गया है, यहाँ पे ये सभी फैक्टर्स रहे, ये सभी फैक्टर्स रहे। एंड अंडर द कैटेगरी रिवाइवल ऑफ रिवर, वेल्लोर एंड करूर डिस्ट्रिक्ट हैव बीन चूजिंग फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड पोजिशन, वाइल परम्बुलर
डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन चूजन फॉर सेकेंड प्राइज अंडर द कैटेगरी वाटर कंजर्वेशन एट द नेशनल लेवल, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका बुक्स एंड ऑथर्स में अगर हम बात करें तो हार्पर कोलिंस इंडिया ने पब्लिश किया है न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर का जो आपके जैसिंदा अर्डर्न से उनकी बायोग्राफी बायोग्राफी न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जैसिंदा अर्डर्न की यहाँ पे रिसेंटली री इलेक्ट किए गए हैं। इनकी जो बायोग्राफी है वो यहाँ पे हार्पर कॉलेज के द्वारा पब्लिश करी जाएगी नेक्स्ट ईयर में पब्लिश करी जाएगी। लैंडस्लाइड विक्ट्री विल बी पब्लिश्ड नेक्स्ट ईयर विच विल एक्सप्लोर द इन्फ्लुएंस दैट हैव सेव्ड हर मेड हर अ लीडर विद अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। ठीक है, याद रखिएगा हार्पर कोलिंस पब्लिशर इंडिया ने अनाउंस किया है कि नेक्स्ट ईयर ये जो है आपके बुक को पब्लिश करेंगे, वो बायोग्राफी रहेगी न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर जेसिंदा अर्डर्न की। एंड हार्पर कोलिंस पब्लिशर ने अनाउंस किया एक्विजिशन ऑफ बुक विच विल बी ऑथर्ड किसके द्वारा लिखी गई है, तो सुप्रिया वानी एंड कार्ल ए हार्टे के द्वारा ये बुक जो है वो लिखी गई है। ठीक है, अब पूनम हिंदी में मिल जाएगा, मतलब हिंदी में भी डिस्प्ले अगर लाइक मैं अगर बात करता हूँ, देखो इसके जस्ट नीचे हिंदी है तो आप हिंदी में कवर कर सकते हैं, अगर इंग्लिश के जस्ट बाद स्लाइड में हिंदी में है तो मैं अभी हिंदी में एक्सप्लेन आप सभी के साथ में कर ही रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली मैं आप सभी के साथ में हिंदी में ही डिस्कस करता हूँ, है ना। तो बाकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको अनअकैडमी बैंक एग्जाम रोहित कुमार सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं हिंदी में। ठीक है, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। महाराष्ट्र गवर्नर ने रिलीज किया है फॉर्मर मिनिस्टर राजेंद्र दादरा की बुक माझी बिंट को, जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी जी, इन्होंने एक बुक रिलीज करी है माझी बिंट महाराष्ट्र एजुकेशन मिनिस्टर राजेंद्र दारदा के है बाई फॉर्मर ऑथर जो लिखी गई है राजेंद्र दारदा जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, याद रखिएगा, बस इतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट डेज में मैं बात कर लूँ तो वर्ल्ड निमोनिया डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड निमोनिया डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 12 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है और 2019 से हम इसको अब सेलिब्रेट कर रहे हैं। पहला जो फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया था वो 2009 में किया गया था, सॉरी 2009 में। एंड पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे ऑब्जर्व कब किया जाता है, 12 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे एवरी ईयर ऑन नवंबर 12th टू कमेमोरेट द फर्स्ट एंड ओनली विजिट ऑफ फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी। तो ये याद रखिएगा, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 12 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, 12 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड नेक्स्ट ये लिस्ट आपके सभी के सामने है जिसमें डेज आपके लिखे हुए हैं, ये रिविजन के लिए है। ऑबिचरीज में बात करें तो फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर प्लेयर सत्यजीत घोष जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये आपके फॉर्मर इंडियन फुटबॉल प्लेयर थे सत्यजीत घोष जी जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, ये याद रखिए। एंड ये लिस्ट आप सभी के सामने है, रिवाइज कर लेना। बाकी स्टैटिक अवेयरनेस जो कि आपके करंट अफेयर्स पे बेस्ड है, हम बात करते हैं उन क्वेश्चंस की। तो पहला सवाल है स्कॉट मॉरिसन इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, तो करेक्ट आंसर की बात करें क्या होगा, करेक्ट आंसर ए होगा ऑस्ट्रेलिया। कैपिटल पूछा गया है ऑस्ट्रेलिया का, तो करेक्ट आंसर सी होगा, कैनबरा कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया का। यहाँ पे यूनेस्को के हेड पूछे गए हैं, तो ऑड्रे अजोले जो है वो यूनेस्को के हेड है। ठीक है, ऑड्रे अजोले जो है यूनेस्को के हेड है। यूनाइटेड नेशंस डे पूछा गया है कब ऑब्जर्व किया जाता है, यूनाइटेड नेशंस डे 24 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है यूनाइटेड नेशंस डे। नेक्स्ट है आपका कैपिटल ऑफ आर्मेनिया का कैपिटल पूछा गया है, तो सी करेक्ट आंसर होगा येरेवन करेक्ट आंसर होगा। आर्मेनिया का करेंसी पूछा गया है, तो करेंसी आर्मेनिया का ड्रैम है। ठीक है, ड्रैम करेंसी है। एंड अजरबैजान का कैपिटल पूछा गया है, तो डी करेक्ट आंसर होगा बाकू करेक्ट आंसर होगा।
एंड व्हाट इज द करेंसी ऑफ अजरबैजान? अजरबैजान का करेंसी पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर सी मन्नत करेक्ट आंसर होगा, मन्नत मन्नत सॉरी, ठीक है, मन्नत करेंसी होगा अजरबैजान का। भारतीय अक्षा जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर पूछा गया है, तो सी मुंबई करेक्ट आंसर होगा, मुंबई। एंड सीईओ ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पूछे गए हैं, एनएसई के जो सीईओ है वो पूछे गए हैं, तो आंसर आपका विक्रम लिमाय होगा, विक्रम करेक्ट आंसर होगा ए। एंड एल्विस ग्रुप का हेडक्वार्टर पूछा गया है, एल्विस ग्रुप का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में है। याद रखिएगा ये कोर्स मेरा लाइव हो चुका है, और 24 नवंबर से एक नया बैच मैंने डिजाइन किया है, नया कोर्स आ रहा है 24 नवंबर से, डिटेल करंट अफेयर्स के ऊपर रहेगा, अन अकेडमी प्लस पे, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसको जरूर ज्वाइन करें। और उसके लिए आपको यहाँ पे RKYT10 रेफरल कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन लेना होगा, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको ऐसे ही ज्वाइन हो जाएंगे। एंड प्राइस हाइक होने वाला है, तो एज मच एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सकता है आप अन अकेडमी प्लस सब्सक्राइब कर लें। अब कितना होगा कांट से, ठीक है, मैं बात करता हूँ, मैं आप बैंकिंग अवेयरनेस का लाइव क्विज आप कोड जो है वो आपको दे देता हूँ, लाइव क्विज का कोड दे देता हूँ, तो आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा 9 बजे, करेक्ट 9 बजे आपका क्विज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट 9 बजे आपका क्विज स्टार्ट हो जाएगा। 0000000301 ये क्विज का कोड है, ठीक है, ये क्विज का कोड है 000301, सॉरी ये क्वांट का है, क्विज का कोड क्वांट क्विज का कोड है, मैं अवेयरनेस का देता हूं एक मिनट। चलिए आज आज गाइज इसी को आप ज्वाइन करिए, ये क्वांट का है, आप इसी को ज्वाइन करिए, ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, जय हिंद।